हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। आज फाइनली हम अपनी हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी की यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा इवोल्यूशन ऑफ द ड्रग। और उसके अंतर्गत हमको पढ़ना है WHO एंड ICH की गाइडलाइन फॉर द असेसमेंट ऑफ द हर्बल ड्रग, और उसके बाद में हमको स्टेबिलिटी टेस्टिंग के बारे में भी पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले बात आती है कि हर्बल ड्रग, तो इवोल्यूशन हम किसका करेंगे, हर्बल ड्रग का। तो उससे पहले हमको हर्बल ड्रग के मतलब पता होना चाहिए। तो हर्बल ड्रग क्या होती है, एज पर हमने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा था कि हर्बल ड्रग ऐसे एजेंट होते हैं जो कि फाइटोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट कंटेन करते हैं, उनको एक सुटेबल डोसेज फॉर्म में बनाया जाता है, जो इफेक्ट क्या कहते हैं हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी होती है उसको अल्टर कर देते हैं। ठीक, तो ये था सिंपल सा हर्बल ड्रग का सिंपल सी डेफिनेशन। अब हम आते हैं अपनी फोर्थ यूनिट के डेफिनेशन पे, क्योंकि हमको यहां पे इवोल्यूशन करना है। तो एज पर इवोल्यूशन के तरीके से हमको डेफिनेशन यहां पे देखनी पड़ेगी। तो जो हर्बल ड्रग होती है, रिगार्ड एज अ फिनिश्ड लेबल प्रोडक्ट। फिनिश्ड लेबल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि वो जो हमने एक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट से निकाला था, एक्सट्रैक्ट निकाला था, उसको हमने अच्छी तरीके से स्टरलाइज कर लिया, अच्छी तरीके से पैक कर लिया, लैब लेबल्ड कर दिया, वो उसको एक प्रोडक्ट बना दिया दैट कंटेन एक्टिव इन्ग्रीडियंट ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट सोर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो कहाँ से हमको प्राप्त हो, प्लांट से। तो प्लांट से हमको प्राप्त हो तो उसको क्या बोलेंगे, फाइटोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट। और जिसका जो काम क्या होता है, मतलब ह्यूमन बॉडी की जो फिजियोलॉजी होती है उसको कर देना। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपको बुखार आया या फिर क्या है, एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, तो उसको अल्टर करेगा तो टेम्परेचर आपका डाउन होगा। तो वहां पर हमने या क्या यूज किया, बायो एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट, किसी एक पार्टिकुलर ड्रग का, किसी एक हर्बल ड्रग का यूज किया, जिसकी वजह से हमारा जो तापमान था, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर था वो कम हुआ। तो यहाँ पे क्या हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी में अल्ट्रेशन हुआ, तो इसी को बोलते हैं हर्बल ड्रग या सिंपल सा हर्बल सब्सटेंस। ठीक है ना। अब आता है इसका इवोल्यूशन। देखिए, किसी भी चीज में अगर आपने इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने ये चीज जरूर ऑब्जर्वेशन की होगी कि कोई भी डोसेज फॉर्म हो, चाहे वो टेबलेट, कैप्सूल या सिरप, एग्जाम सेमी सोलूशन, सपोजिटरी, वेजाइना सपोजिटरी, कुछ भी चीज हो, ठीक है ना, एनिमा वगैरह कुछ भी चीज हो, तो उसकी जो इवोल्यूशन होती है, इवोल्यूशन का मतलब कहते हैं मूल्यांकन करना या उसकी स्टेबिलिटी वगैरह को देखना। जे हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं क्वालिटी एश्योरेंस, उसमें भी सेम चीज यही है कि इवोल्यूशन करना। इवोल्यूशन का सिंपल मतलब होता है कि उसकी क्वालिटी को डिटेक्ट करने ला कि हमारे लिए कितना एफिकेसियस है या नहीं। देखिए, इवोल्यूशन दो चीजों का हो सकता है, पहली चीज आपके बॉडी के लिए कितनी ज्यादा अच्छी चीज है ये, और दूसरी चीज वो प्रोडक्ट का जो मतलब इंटरनल क्लासिफिकेशन है, इंटर केमिकल स्ट्रक्चर है या उसकी जो फिजिकल स्टेबिलिटी है ये। इन दोनों चीज का इवोल्यूशन अगर बेहतर जाता है तभी हम उसको ह्यूमन बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं, अदरवाइज उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन ऑफ द ड्रग मीन्स कन्फर्मेशन ऑफ ड्रग आइडेंटिटी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स क्वालिटी, प्योरिटी एंड एफिकेसी। इसका मतलब क्या है कि यहां पर हम कन्फर्मेशन कर लेते हैं कि वो ही ड्रग हमारी है इन एक्चुअल में। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपने गिलोय देखा, तो एक गिलोय होता है, एक पान का पत्ता होता है, दोनों का अगर आप पत्ता मिलाएंगे तो आपको दूर से तो नजर नहीं आएगा कि ये है या नहीं है, लेकिन आप पास में जाएंगे तो अगर आपने उसके ऊपर कुछ काम किया होगा तभी आपको ये पता चल पाएगा कि ये गिलोय का पत्ता है या पान का पत्ता है। अब ऐसी कंडीशन में आपको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या तो आपके पास उतना पर्सनल एक्सपीरियंस हो, या तो आप क्या करेंगे उसकी केमिकल टेस्टिंग करेंगे। अब जैसे उसकी केमिकल टेस्टिंग करेंगे तो उस ड्रग की आइडेंटिटी आपको पता चल जाएगी कि इन एक्चुअल ये ड्रग हमारी है। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपने एलोपैथिक में देखा कि डॉक्टर कुछ दूसरी दवा लिखता है, मेडिकल वाला कुछ दूसरी दवा दे देता है, तो सेम जो यहाँ पे क्या होता है, इवोल्यूशन उसी चीज का करते हैं। तो हम उसको इवोल्यूएट कराने के लिए, मतलब जैसे जो मेडिकल वाले ने हमको दवा दी उसका इवोल्यूशन कराने के लिए फिर से डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि ये ड्रग नहीं है, इसको जाकर ये दवा नहीं है, इसको जाकर के बदल दो, कह दो कि जो लिखी है उसको तो अदरवाइज ना दे। ये होता है कि नहीं होता है, उसी प्रकार से इवोल्यूशन करेंगे हम अपनी हर्बल ड्रग का कि हाँ इसके अंदर जो फाइटोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो इन एक्चुअल में सही है या नहीं है, या उसके ऊपर जो लेबलिंग की गई है वो है या नहीं है। ठीक है ना। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स क्वालिटी, प्योरिटी एंड एफिकेसी, और उसकी क्वालिटी को, उसकी एफिकेसी को, उसकी प्योरिटी को हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है ना। अब इसके कुछ स्टैंडर्डाइज इवैल्यूएशंस होते हैं कि जैसे आपने कोई प्लांट लिया तो उसके कौन कौन से स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे, इसका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। देखिए, आप फार्माकोग्नोसी फर्स्ट में आपको पूरा ये जो मतलब हर्बल का जो मामला है, चाहे वो फार्माकोग्नोसी फर्स्ट हो, चाहे फार्माकोग्नोसी सेकंड हो, चाहे आपका ये
हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी हो। मैंने हर जगह आपको कलर ऑर्डर टेस्ट, माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन, माइक्रोस्कोपी, एचपीटीएल से जीएलसी, इन सब के बारे में बताया हुआ। तो सेम उठी आज वही सो जो चारा है, मतलब जो सारा आपने अपने दिमाग में भरा था उसी का आज नंबर आ गया है कि आप उसको अपने दिमाग में बैठा है और फिर से अपने कॉपी में रिटर्न आउट करें, ठीक है ना। तो इसमें जो स्टैंडर्ड है इवोल्यूशन, जैसे जो हमारी ऑर्गेनोलेप्टिक में हमने क्या पढ़ा था, कलर ऑर्डर टेस्ट वगैरह, अपीयरेंस वगैरह इसमें देखते थे, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बॉटनिकल में देखें तो माइक्रोस्कोपी, कैरेक्टरिस्टिक, पाउडर माइक्रोस्कोपी देखते थे। अब देखिए, आपने कलर ऑर्डर टेस्ट के बारे में पढ़ा ही होगा, व्हाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। तो इस प्रकार से ऐसे एग्जांपल डाल देंगे और ऐसे बता देंगे तो आपका नंबर वहीं पर पटाख से एक दो नंबर वहाँ पे बढ़ जाएगा अगर आपको कम मिल रहे हैं। उसके बाद बॉटनिकल माइक्रोस्कोपी कर देंगे, आप उल्टा सीधा माइक्रोस्कोपी कोई भी स्ट्रक्चर दिखाइए जिसमें कैल्शियम क्रिस्टल दिखा दीजिए, ठीक है ना, जाइलम फ्लोएम दिखा दीजिए, तो आपका नंबर वहाँ पे अच्छा हो जाएगा। उसके बाद उसका फिजिकल इवोल्यूशन, जैसे मॉइस्चर कंटेंट हो गया, एस वैल्यू हो गया, एसिड सोल्यूबल वैल्यू होगा, एसिड इनसोल्यूबल वैल्यू हो गया, ठीक है ना, जैसे हमारी क्या होती है फिजिकल इवोल्यूशन होती है। उसके बाद केमिकल इवोल्यूशन में जैसे एचपीटीएलसी आ गया, ठीक है ना, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो गया, जीएलसी मतलब ग्रेस क्रोमेटोग्राफी हो गया, एचपीएससी हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया, जैसे हमारी क्या होता है केमिकल इवोल्यूशन होते हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल में जैसे माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, टॉक्सिकोलॉजिकल इवोल्यूशन, ये सारी चीजें हम कहाँ पर यूज करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द या इवोल्यूशन ऑफ द हर्बल ड्रग। तो ये चीज आपको समझ में कि कैसे हमको इवोल्यूशन करना है। अब चाहे तो आप इन जो पांच टॉपिक्स को मैंने बताया, बॉटनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ऑर्गेनोलेप्टिक एंड फिजिकल, इसका आप पार्टिकुलर एक हेडिंग बना करके इतने जितने पॉइंट वाइज है इसको आप आसानी से समझा सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं आपको मॉइस्चर कंटेंट बताना हो तो आप बता देंगे कि द अमाउंट ऑफ द वेटी मटेरियल प्रेजेंट इन द ड्रग। अब इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे, बहुत सारे डिफरेंट मेथड है बाय द एब्जॉर्प्शन वगैरह के माध्यम से, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यही था एक सिंपल सा इसका क्या इवोल्यूशन। उसी प्रकार से आपने एचपीटीएलसी भी पढ़ा, एचपीएलसी भी पढ़ा है, क्रोमेटोग्राफी भी पढ़ा है, ठीक है ना, गैस क्रोमेटोग्राफी भी पढ़ा है। अभी सेवंथ से मैं इसके बारे में आप डिटेलिंग करेंगे, वो भी सब्जेक्ट में आपको पढ़ाने वाला हूं, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आगे चल के भी मैं भी आपको इसको क्लियर आउट करने वाला हूं कि एक्चुअल में होता क्या है। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर जो कि इन एक्चुअल हमारे सिलेबस में दिया हुआ। देखिए, ये अभी तक मैंने आपको ओवरव्यू दिया, ये आपके एग्जाम में आ सकता है इवोल्यूशन, लेकिन जो मैं अब बताने वाला हूँ ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में आ सकता है, मतलब इसके चांसेस 80% है, क्योंकि यहाँ पे हमको किसी चीज एक पार्टिकुलर संस्था की हमको गाइडलाइंस देखनी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊँ कि जो इन एक्चुअल होता है वही हमारे पेपर में आता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री है, अगर आपने कभी ये इवोल्यूशन किया होगा तो मेडिसिनल केमिस्ट्री का पेपर उठाया होगा, तो जो हमारे मार्केटेड प्रोडक्ट है जो इस समय यूज हो रहे हैं वही हमारे पेपर में पूछा जाता है अक्सर। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे मतलब बहुत ही हाईली इफेक्टिव थी। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आज के 5-6 साल पहले की अगर हम बात करें, मतलब 2014 की पहले के बारे में बात करें, तो जो हमारी लोपिरामाइड आती थी तो वो एट्रोपिन सल्फेट के साथ आती थी, लेकिन एट्रोपिन सल्फेट का बहुत सारे एडवर्स एक्शन देखा गया लोपिरामाइड के साथ, तो इसलिए हमारे को केवल लोपिरामाइड ही मिलती है। तो यही हमारे क्या जाएगा कि वो हमारा मतलब एक हिस्ट्रिकल हो गया कि उसको यूज तो कर रहे थे लेकिन बाद में आकर के उस रिस्क फैक्टर के कारण उसको हटा दिया गया, तो वो ड्रग आपके एग्जाम में आ जा सकती है, ठीक है। तो यही होता है हमारा मेन मोटिव कि एग्जाम में क्या आ सकता है। देखिए, बहुत ही अंदर की चीज है, ठीक है ना। अब आते हैं हम क्या अपने WHO ICS गाइडलाइंस फॉर द असेसमेंट ऑफ द हर्बल ड्रग। अभी तक हमने इवोल्यूशन देखा, अब उसका मूल्यांकन करेंगे। देखिए, मूल्यांकन इवोल्यूशन दोनों एक ही साथ के मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम बोल सकते हैं इवोल्यूशन करते हैं उसकी क्वालिटी वगैरह की, और हम बोल सकते हैं असेसमेंट करते हैं उसके मूल्यांकन करते हैं, ठीक है ना। तो मूल्यांकन हम किसी भी चीज का कर सकते हैं, चाहे वो आपका फिजिकल मटेरियल हो या केमिकल मटेरियल हो, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो या आपका जो इनविजिबल हो, उनका भी हम मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे भगवान का मूल्यांकन करते हैं कि इन भगवान के पास ज्यादा शक्ति, उन भगवान के पास कम शक्ति, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ईश्वर एक है, सबके पास बराबर शक्ति होती है। उसी प्रकार से जो ड्रग है उसका भी मूल्यांकन करते हैं, हर एक पे पास अपनी अपनी शक्तियां होती है, बस कुछ उसमें डिटोरिएशन हो जाता है, कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण उसमें जो एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है अदल बदल जाते हैं, जिसके वजह से उसमें कुछ ना कुछ डिसइफेक्ट आ जाते हैं या हमारी बॉडी के ऊपर उतना इफेक्ट नहीं काम कर पाती है। तो उसी के लिए हम क्या कहते हैं उसका मूल्यांकन करते हैं, उसका इवोल्यूशन करते हैं ना, ठीक है ना। द फिनिश्ड लेबल मटेरियल प्रोडक्ट दैट कंटेन एक्टिव इंग्रेडिएंट जैसे फाइटोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट, पार्ट ऑफ द प्लांट या एनी अदर प्लांट मटेरियल, कोई भी जैसे प्लांट मटेरियल, किसी भी टाइप का प्लांट मटेरियल उसने कंटेन किया हुआ, एसेंशियल फॉर द इवोल्यूशन और द असेसमेंट, मतलब ये एसेंशियल है कि आप उसका इवोल्यूशन करें एंड उसका असेसमेंट करें। फॉर किसके लिए, सेफ्टी के लिए, एफिकेसी के लिए एंड स्टेबिलिटी के लिए फॉर द पीरियड ऑफ द टाइम। फॉर एग्जाम्पल 2-3 साल के लिए इसके लिए आपको क्या उसका इवोल्यूशन या असेसमेंट करना होगा, ठीक है ना।
अब देखिए क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, आपने मतलब असेसमेंट के तीन स्तंभ, एक क्या होता है असेसमेंट में आपको क्या पता चलेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट पर मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी पता चल जाएगी, उसकी सेफ्टी है कितनी है ये पता चल जाएगी, उसकी एफिकेसी कितनी है आपकी बॉडी के ऊपर ये भी पता चल जाएगा। तो असेसमेंट अगर आप करते हैं या अगर आप WHO आईसीएच गाइडलाइन के आधार पर आप हर्बल ड्रग का मूल्यांकन करते हैं तो इन सब चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से नॉलेज हो जाएगी। तो आइए इसी के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तो असेसमेंट ऑफ द क्वालिटी, आप क्वालिटी का मतलब कहने का क्या है कि क्वालिटी आप आपके जैसे जो फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म बनते हैं उसमें भी बात कर लें या हर्बल ड्रग के बारे में बात करें तो उसमें हमारे डिफरेंट टाइप्स के मतलब हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज होते हैं, एक्सीपियन मेथड वगैरह यूज होते हैं। तो उसमें से पहला क्या है फार्मास्यूटिकल असेसमेंट। फार्मास्यूटिकल असेसमेंट का क्या मतलब होता है कि वो जो ड्रग हमारी हमारे बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट करती है ठीक है ना, उसको बनाने का जो तरीका होता है क्या, जैसे आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं फार्मुलेशन पढ़ते हैं ना, अगर आप मैं बोलूँ आपको फार्माकोपिया में आगे कोई ड्रग आपको बनाए तो आप कहाँ पे जाएंगे, फार्माकोपिया में जाएंगे ना। उसी प्रकार से हम क्वालिटी का असेसमेंट करेंगे। अगर फार्मास्यूटिकल असेसमेंट के बारे में बात करें तो जो भी हर्बल मेडिसिन हम प्रिपेयर करेंगे उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए हमको फार्माकोपियल मोनोग्राफ को फॉलो करना होगा ठीक है ना। तो आप इसको समझ में आ गया कि फार्मास्यूटिकल असेसमेंट क्या है, एंड मैंडेटरी टू फॉलो GMP फॉर द ऑल प्रोसीजर, और हमको जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के जो कि मैंने आपको क्वालिटी एश्योरेंस भी बताया और हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी यूनिट नंबर फर्स्ट में बायोडायनेमिक में भी आपको GMP के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। तो ये सारी चीजें क्या होनी फॉलो होनी चाहिए किसी भी हर्बल ड्रग के प्रिपरेशन में ठीक है ना। तो ये हो गया क्या फार्मास्यूटिकल असेसमेंट। उसके बाद आता है क्यूर ड्रग मटेरियल। क्यूरेटिक मटेरियल का मतलब जैसे आपने प्लांट सोर्स से कोई ड्रग बना रहे हैं, जैसे अर्जुना की बार के ले लेंगे ठीक है ना, तो अब अर्जुना की बार का मंगाएंगे उसका भी तो आप इवैल्यूएशन करेंगे, उसका भी तो आप असेसमेंट करेंगे कि क्या वो अर्जुना की बार की है, उसकी जीनस स्पीसीज से उसको पता करेंगे, उसकी अथॉरिटी टेस्टिंग देखेंगे तभी तो उसका यूज करेंगे। तो उसी प्रकार से क्यूर जो प्लांट मटेरियल होते हैं उनकी हम जैसे उसका लीफ हो गया, फ्लावर सीड वगैरह इटीसी होगा, शुड बी एसेट इंक्लूडिंग द जीनस स्पीसीज एंड अथॉरिटी अंडर द बॉटनी ठीक है ना, यूज फॉर द हर्बल ड्रग प्रिपरेशन। मैंने आपको जस्ट अभी जैसे अर्जुना बार का एग्जांपल लेकर बताया, देखिए बहुत छोटे में मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर आप इतना लिखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर भूल भी जाते हैं तो हेडिंग तो कम से कम लिख ही देना ठीक है ना। उसके बाद तीसरा आता है क्या प्लांट प्रिपरेशन। प्लांट प्रिपरेशन का मतलब सिंपल सा क्या होता है कि जो भी हम प्रिपरेशन करते हैं, जो भी एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, जो भी पाउडर फॉर्म लेते हैं, जो भी टिंचर लेते हैं, उसके हमको मतलब प्रिपेयर अंडर रिक्वायर्ड टेक्निक, मतलब उसकी रिक्वायर्ड, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी आपको बोलूँ कि आप क्या कीजिए चाय पत्ती से कैफे निकालिए, तो आप चाय पत्ती से कैफी निकालने के लिए किस मेथड का यूज करेंगे, मैंने आपको फार्माकोग्नोसिस सेकंड में बताया था किसका करेंगे, जल्दी बोलिए, हम सिंपल से बोल रहे हैं सॉक्सलेट का करेंगे कि नहीं करेंगे, तो सॉक्सलेट का अगर अपैरेटस का हम यूज करेंगे तो हमको कैफीन मिल जाएगी। अब हम करें कि आपको क्लीवेंजर का यूज कीजिए, उसके सहायता से आप कैफीन निकालें, तो आप निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जो क्लीवेंजर होता है वो वोलेटाइल ऑयल के लिए होता है ना कि उसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट के लिए। वोलेटाइल ऑयल भी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है लेकिन उसमें ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, और जो हमारी कैफीन है वो कम अमाउंट में पाया जाती है, तो इसके लिए हमने क्या सॉक्सलेट दिया। उसी प्रकार से प्लांट के प्रिपरेशन के लिए जैसे हम जो भी स्टेज बनाते हैं, जो भी मदर टिंचर बनाते हैं, जो पाउडर बनाते हैं, उसके लिए रिक्वायर्ड टेक्निक है उसी को फॉलो करना चाहिए, उसी का यूज करना चाहिए, जैसे प्यूरिफिकेशन, फ्रैक्शनल एंड कंसंट्रेशन वगैरह इन सबको फॉलो करते हुए हमको अपने ड्रग की प्रिपरेशन करनी चाहिए ठीक है ना। एंड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुड बी प्रोवाइडेड, मतलब आपने किस हिसाब से की। देखिए अगर आप मोनोग्राफ बोलते हैं किसको क्या है कि आपका एक पार्टिकुलर एकदम एग्जैक्ट प्रोसीजर है उसी को आपको फॉलो करना है, और फिर उसका डिस्क्रिप्शन दे देना है कि हमने इसी चीज़ को फॉलो किया, जैसे आप रेफरेंस देते हैं उसी प्रकार से डिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है। एंड मेंशन द यूज ऑफ द हर्बल मेडिसिन, और जो उस मेडिसिन का यूज है उसको हमको मेंशन कर देना होता है। एंड शुड कंटेन कलर ऑर्डर टेस्ट ETC, और वो कलर ऑर्डर टेस्ट ऑलरेडी कलर्ड होने चाहिए। एंड फिनिश प्रोडक्ट, जो आपका फिनिश प्रोडक्ट बन के आएगा, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर, मतलब आपने किस विधि के द्वारा उसको मैन्युफैक्चरिंग किया ठीक है ना, एंड वैलिडेट मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन, और किस मतलब आपने उसको आइडेंटिफिकेशन किया वो मेथड वैलिडेट था या नहीं था। एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट शुड कंप्लीटली विद जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ द डोज फॉर द डोसेज फॉर्म, इसका मतलब क्या है कि जैसे कुछ ड्रग मतलब होते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कि आपको टेबलेट फॉर्म में ही ज़्यादा इफेक्टिव होगी, कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपके सिरप फॉर्म में मतलब लिक्विड फॉर्म में, कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि पैरेंटल फॉर्म में ही आपको इजीली आपको मतलब सुटेबल करती है, मतलब एफिकेसी अपनी दिखाती है। तो उसी प्रकार से इसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि कौन सा जो फाइटोकेमिकल कैप्सूल है उसको किस टाइप के डोसेज फॉर्म में हम दें तो हमारे बॉडी के ऊपर अच्छा सा इफेक्ट देगी। स्टेबिलिटी पैक्ड मटेरियल अंडरगो टेस्टिंग फॉर द स्टोरेज कंडीशन, अभी स्टेबिलिटी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आगे हमारा जो आता है वो असेसमेंट फॉर द सेफ्टी, अभी तक हमने क्या देख लिया क्वालिटी देख लिया, मतलब क्वालिटी का मूल्यांकन कर लिया, अब सेफ्टी का, अब सेफ्टी का मूल्यांकन आप कहाँ करेंगे, अपनी ह्यूमन बॉडी के लिए करेंगे ना,
देखिए मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे अभी के समय के बारे में बात करूं तो कोरोना की वैक्सीन थी, जिन लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगी नियर अबाउट 60% को एलर्जिक रिएक्शन हुई। एलर्जिक रिएक्शन का मतलब क्या है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तत्काल हुई थी, बस मतलब 3-4 महीने के बाद उनको स्टार्ट। मैं अगर आप में से कोई लोग ऐसा वीडियो देख रहा हो जिनको कोरोना की पहले ऐसी रिएक्शन नहीं थी कि आपकी बॉडी में खुजली या दाने पड़ जाते थे, चकत्ता पड़ जाते थे, लेकिन अब आपको प्रॉब्लम हो गई, कब प्रॉब्लम हो गई, जब आपने वैक्सीनेशन लिया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वैक्सीनेशन गड़बड़ था, बस मैं एज ए एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आप इसको गलत मोटिव में मत लेकर जाइएगा। मैं एज ए एग्जाम्पल मतलब जो इवोल्यूशन हुआ उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसका क्या एडवर्स एक्शन हो गया, वो हमारे ऊपर क्या उसने कॉज किया, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दे दी। अगर हम धूप के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो हमारे बॉडी के ऊपर छाले निकल आएंगे, तो ये सब क्या उसकी उसी के साइड इफेक्ट है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तो उसी प्रकार से उसकी सेफ्टी का भी, आप कोरोना वैक्सीन की सेफ्टी का असेसमेंट अगर किया गया होता अच्छी तरीके से कि 6-7 महीने बाद क्या करेगा क्या नहीं करेगा, हालांकि किया गया था, लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से देखा जाए तो ये चीज़ कहीं ना कहीं स्किप हो गई। अदरवाइज ये इतना भयंकर रिएक्शन है कि अगर आप धूप में निकल जाए, रेडनेस आ जाए, उसके बाद चकत्ते पड़ जाए, दाने निकल जाए, ये बहुत भयंकर रिएक्शन होता है हमारी बॉडी के ऊपर। हमारी स्किन जल सकती है, हमारी स्किन बर्निंग कर सकती है, या हमारी स्किन उधड़ सकती है, जिसकी वजह से हमको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए सेफ्टी का असेसमेंट भी करना जरूरी होता है, ठीक है ना। अब इसमें जैसे आ गया टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी, टॉक्सिकोलॉजिकल में हम क्या करते हैं, उसके जो पॉइजनस सब्सटेंस होता है या जो टॉक्सिसिटी होता है उसका इवोल्यूशन करते हैं। एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर द सेफ्टी, हम एक डॉक्यूमेंट देते हैं, जैसे आपने लेवल पे देखा होगा कि मतलब बच्चों से दूर रखें, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से हमने डॉक्यूमेंटेशन दे दिया फॉर द सेफ्टी के, तो पर्टेनिंग टू लॉन्ग टर्म यूज ऑफ द हर्बल प्रोडक्ट एनी टॉक्सिसिटी एडवर्स एक्शन इंटरेक्शन शुड बी डॉक्यूमेंटेड। अगर उस ड्रग की कोई भी टॉक्सिसिटी है या हाइपर सेंसिटिविटी है या एडवर्स एक्शन है या इंटरेक्शन है किसी भी ड्रग के साथ, तो उसको शुड बी कमेंटेड। देखे अगर मैं बात करूं तो टेट्रासाइक्लिन दूध के साथ नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो चिरेशन फॉर्म करता है। ये हमको कहां मिला, एक डॉक्यूमेंट से ही तो मिला, एक किताब के आपके एक डॉक्यूमेंट ही तो है, हम डॉक्यूमेंट ही तो पढ़ रहे हैं, उसके बाद अपनी नॉलेज गेन कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड ड्रग इंटोलरेंस हो गया, एडिक्शन हो गया, प्रोफाइलेक्सिस हो गया, हाइपर सेंसिटिविटी हो गया, ये सब हमारी क्या होती है, सेफ्टी के अंतर्गत आती है, उसका असेसमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद आती है असेसमेंट ऑफ दी एफिकेसी। एफिकेसी का सिंपल सा मतलब होता है कि आपके बॉडी के ऊपर कितना इफेक्टिव है या कितना एफिशियस है, ठीक है। दी एफिकेसी ऑफ दी हर्बल मेडिसिन शुड बी कंसीडर्ड एंड डॉक्यूमेंटेड एट द स्पेसिफिक कंडीशन या कंसंट्रेशन। देखिए फॉर एग्जांपल के तौर पे आप पैरासीटामॉल इंटेक करते हैं, तो पैरासीटामॉल में कितनी एमजी आती है, 350 आती है, 650 आती है, 375 आती है, 325 आती है, ठीक है ना, वो पैरासीटामॉल आती है। लेकिन उसी के बाद में अगर आप डाइसाइक्लोमिन देखेंगे तो वहाँ पे कितनी कंसंट्रेशन है, 20 mg, उससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 mg। अब यहां पे कंडीशन क्या हुआ कि पैरासिटामोल हम 400-500 mg ले रहे हैं, डाइसाइक्लोमिन हम कितना ले रहे हैं, 20 mg ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसके इफेक्ट होगा, तो उसी को बोलते हैं एफिकेसी। इसका मतलब क्या है कि जो डाइसाइक्लोमिन है 20 mg पर ही हमारी बॉडी के ऊपर मैक्सिमम थेरापोटिक इफेक्ट दे सकती है, जबकि जो हमारी पैरासिटामोल ड्रग है वो 500 mg पर अपना मैक्सिमम थेरापोटिक इफेक्ट देगी। इसी को बोलते हैं असेसमेंट ऑफ द एफिकेसी, मतलब कितनी कंसंट्रेशन पे हमको वो ड्रग लेनी चाहिए जिसके लिए हमारी बॉडी मतलब टॉलरेट ना करे उसके साथ, और हमको आसानी से उसका एक्शन देखने को मिले, हमको रिलीफ मिल जाए। तो उसमें आता है पहला क्या, एक्टिविटी ऑफ द हर्बल ड्रग, मतलब हर्बल ड्रग की एक्टिविटी हमको देखनी होगी। द फार्माकोलॉजिकल एंड क्लिनिकल इफेक्ट इलेक्टेड बाय द एक्टिव इंग्रेडिएंट शुड बी डिस्कस्ड एंड स्पेसिफाइड इन द डॉक्यूमेंटेशन। देखिए पैरासीटामॉल अगर बुखार उतारता है तो बुखार के लिए, जैसे मैं आपको बोलूं जो ये क्या होता है जो इसमें आता है एंडोग्राफी स्पैनिकुलाटा, मान लो काल मेघ है तो जीआईटी के लिए, लीवर डिसइंफेक्शन के लिए हो गया, ठीक है ना। उसके बाद जो गिलोय है वो आपके बुखार उतारने के लिए, तो ये सब स्पेसिफिक है कि हाँ इसका यूज किया जाता है। जिनसंग है आपके न्यूट्रास्यूटिकल्स के तरीके से यूज किया जाता है, तो ये सब पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। थूजा है, थूजा किसके लिए, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए वगैरह के लिए यूज किया जाता है। वैसे तो होम्योपैथिक में बहुत सारे ड्रग है, मैं आपको बताने लगूंगा कि तो आप बोलेंगे सर आप लेक्चर दे रहे हो कि आप होम्योपैथी की दुकान खोलकर बैठे हो, तो वो अलग की चीज है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका भी वीडियो आपको देने के प्रोवाइड करूंगा कि कौन सी ड्रग किस में काम आती है, बहुत ही अच्छी इफेक्टिव होती है, बस उसका कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एंड एविडेंस असेसमेंट, एविडेंस का मतलब संपर्क से मतलब समझ सकते हैं कि कोई एविडेंस मतलब कोई प्रूफ होना चाहिए। द यूज ऑफ हर्बल मेडिसिन इंडिकेशन शुड बी मेंशन, कंसिडराइजेशन इज रिकॉर्डेड रिपोर्ट और एक्सपीरियंस फिजिशियन ट्रेडिशनल हेल्थ पैरामीटर। देखिए अगर मैंने आपको बोला कि पैरासीटामॉल, हर्बल में आ रहा हूँ, मैंने बोला कि कालमेघ जो है वो आपके जीआईटी के लिए बहुत इफेक्टेड है, आपके लीवर के लिए बहुत इफेक्टेड है, तो उसका एक एक्सपीरियंस फिजिशियन के द्वारा टेस्ट किया जाना चाहिए पेशेंट से ऊपर, एंड ट्रेडिशनल हेल्थ जो पैरामीटर होता है उससे प्रति वो खरा उतरना चाहिए। उसके आधार पर भी हम उसको एक जगह एश्योर्ड कर सकते हैं, जैसे क्वालिटी एश्योरेंस होता है, एश्योर्ड कर दिया कि हाँ ये ड्रग एश्योर्ड है भाई, आप इसको इंटेक कर सकते हैं। उसी प्रकार
साथ हम उसका एविडेंस देंगे, जिसके वजह जो हमारे मतलब प्रैक्टिशनर होंगे, जो फिजिशियन होंगे, उसको एश्योर देंगे कि आप इस ड्रग को मार्केटेड में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट क्या होता है, आपका अलग टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हर्बल प्रिपरेशन बेसिकली कंटेन सेवरल इंग्रेडिएंट इन द कॉम्बिनेशन। देखिए कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आपने एंटीबायोटिक देखी होगी तो एमोक्सिसिलिन के साथ आपको क्या देखने को मिलता है, पोटेशियम क्लोराइड देखने को मिलता है, तो क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगी। उसी प्रकार से हर्बल प्रिपरेशन में भी हमारे कई सारी कॉम्बिनेशन होती हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सबल सल्यूटा आती है, उसके साथ में थूजा मिलाते हैं, उसका यूज कहाँ पे करते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में करते हैं, तो ये कह दीजिए कि कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हम दूसरे कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें, जैसे टाइफाइड होता है तो आर्सेनिक एल्बम हम लेते हैं, ठीक है ना, बैप्टीसिया टिंकोरिया ले रहे, उन दोनों का मिक्सचर बनाते हैं, तो कॉम्बिनेशन हो गया। तो कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तभी हमारी ड्रग इफेक्ट करेगी, अदरवाइज सिंगल लेंगे तो हमारी ड्रग इफेक्ट नहीं करेंगी। एंड शुड बी एबल डिस्क्रिमिनेट द ओल्ड कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट फ्रॉम द न्यू, मतलब हमको हर समय उसका चेंज करते रहना चाहिए। प्रूफ ऑफ एफिकेसी फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, मतलब जो ट्रेडिशनल मेडिसिन उसकी एफिकेसी को प्रूफ करने के लिए कंबाइनिंग मतलब कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट में भी ड्राइव फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेडिशनल, मतलब कहने का क्या है कि उसका जो हमारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे हमारा आयुर्वेदा हो गया, यूनानी सिस्टम हो गया, बुक हो गई, ठीक है ना, चाइनीज मेडिसिन की बुक हो गई, तो वहां पर हमारे वेल डॉक्यूमेंटेड है कि ये जो ड्रग है इसके ऊपर इफेक्टिव है, तो हमारी क्या जाएगी, सिंपल सा जाएगा कहां पे, उसकी एफिकेसी में आ जाएगा, ठीक है ना। इफेक्टिवनेस ऑफ द न्यू कॉम्बिनेशन इंग्रेडिएंट एंड इट्स पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, ठीक। उसके बाद आता है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द कंप्यूजर कंज्यूमर, मतलब कहने का क्या, जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उसको, मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप किसी भी टैबलेट को लेकर आते हैं, तो टैबलेट में क्या लिखा, उसका नाम होता है, प्रोडक्ट का नाम होता है, उसमें एपीआई पैरासीटामोल पड़ा है, निमोसलाइड पड़ा है, ठीक है ना, ये सब पड़े हैं, डोसेज फॉर्म, मतलब उसका किस टाइप का डोसेज टैबलेट है, सिरप है, इंडिकेशन हुए, मतलब मतलब बच्चों से दूर रखें या बच्चों को कितना देना चाहिए, एडल्ट को कितना देना चाहिए, एल्डर को कितना देना चाहिए, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप ओरल रूट से लेंगे या उसको रेक्टल रूट से लेंगे या आईवी रूट से लेंगे या आईएम रूट से लेंगे। तो आपने बहुत सारे इंजेक्शन में देखा होगा कि आईएम आईबी दोनों होता है, तो वही कहता है मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उसके एडवर्स एक्शन अगर कोई है तो सीरियस है तो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ओवरडोज, अगर आप उसकी ओवरडोज लेंगे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब किसको यूज नहीं करना चाहिए, वियरिंग प्रिकॉशंस एंड ड्रग इंटरेक्शन एंड एक्सपायरी डेट, और साथ साथ में लॉट नंबर भी वहां पर लिखा होता है। तो ये था सिंपल सा क्या, WHO ICH की गाइडलाइंस का असेसमेंट, जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने अपने तरफ से कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए। अब बात आती है हमारी स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ दी हर्बल प्रोडक्ट, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हम बात करते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले हमको स्टेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि स्टेबिलिटी होती क्या है। अगर हम सिंपल बोले तो स्टेबिलिटी क्या है, जैसे आपकी बॉडी है तो आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी क्या है, सीधा खड़ा रहना, खड़ा आप किसके वजह से, कंकाल तंत्र की वजह से। उसी प्रकार से जो स्टेबिलिटी इज डिफाइंड एज दी एबिलिटी ऑफ द ड्रग सब्सटेंस टू मेंटेन इस क्वालिटी सेफ्टी एंड एफिकेसी, हम बात ही कर रहे थे किसकी, क्वालिटी सेफ्टी एफिकेसी। असेसमेंट भी हमने क्वालिटी का किया, सेफ्टी का क्या, एफिकेसी का, स्टेबिलिटी हम भी क्या करेंगे, क्वालिटी सेफ्टी एफिकेसी के आधार पर ही देखेंगे, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, किसी भी प्रोडक्ट की ऐसी एबिलिटी या किसी भी ड्रग की ऐसी एबिलिटी जो उसकी क्वालिटी सेफ्टी एफिकेसी को मेंटेन रखता हो, उसी को क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बफर का एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। देखिए बफर क्या है, बफर एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर अगर आप थोड़ा सा भी अमाउंट, जैसे 1 to 5 ml अमाउंट ऑफ एसिड डालेंगे या बेस डालेंगे तो उसके पीएच पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उसने क्या किया, बफर सॉल्यूशन ने क्या बना कर दिया, उस सॉल्यूशन को स्टेबल कर दिया कि अपॉन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सम अमाउंट ऑफ द एसिड और द बेस नो चेंज इन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, दैट्स कॉल्ड स्टेबिलिटी। आपको समझ में स्टेबिलिटी क्या हुई, सिंपल सा कि किसी भी ड्रग की किसी भी सब्सटेंस की उसकी क्वालिटी सेफ्टी एफिकेसी को ही मेंटेन कर देना इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी को आप किसी को मतलब डिफरेंट टाइप के इन्फ्लुएंसेस कर सकते हैं, मतलब कहने का क्या है कि जो आपकी स्टेबिलिटी है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से खत्म हो सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पे ईयर हो गया, अगर ईयर का कॉन्टेमिनेशन मॉइस्चराइजेशन आ गया तब क्या करेंगे आप, आपकी क्वालिटी खत्म हो जाएगी। टेम्परेचर, अगर आपने ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने क्रायोफ्राइजेशन से कोई भी मेडिसिन बनाई, अब उसको 50+ आपने टेम्परेचर दे दिया तो क्या डिग्रेडेड तो हो जाएगा। उसके बाद लाइट इल्यूमिनेशन अगर हम उसका हाईली दे देंगे, लेजर लाइट डाल दे तो क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा जो हमारा ड्रग होगा वो हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा या जल जाएगा। एंड लाइट, ठीक है ना, लाइट दो बार हो गया, इसका कोई टेम्परेचर नहीं, इसका आप ह्यूमिडिटी कर लीजिए, लाइट की जगह पर आप कर लीजिए
ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी का सिंपल सा इफेक्ट होता है कि जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ज़्यादा हमारा जो ड्रग मटेरियल का वो क्या जाएगा वेटिंग हो जाएगा, उसमें वाटर की कंसेंट्रेशन उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये कुछ हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशन है जो कि स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आपने बहुत जगह सुना होगा कि हमारा ऑक्सीडेशन हो गया जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट खराब हो गया, तो उसके लिए हमने एंटी ऑक्सीडेंट डाला। उसी प्रकार से ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, ईयर हुआ, ईयर के वजह में ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। इन्वायरमेंटल कंडीशन में हमने रखा टेम्परेचर हाईली, मतलब जैसे टेटनेस की वैक्सीन को हमने मतलब टेम्परे फ्रीजर में रखना था लेकिन हमने उसको बाहर रख दिया जिसकी वजह से उसकी एफिकेसी कम हो जाएगी। तो ये हमारे कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन होते हैं हर्बल ड्रग के कि जो कि उसकी स्टेबिलिटी को क्या कहते हैं सिंपली जाकर के उसको मतलब डिफेक्ट डालते हैं, ठीक है ना। इट आल्सो हेल्प, मतलब ये जो शरीर है इट आल्सो हेल्प टू डिटरमाइन द एक्सपायरी डेट एज वेल एज रीटेस्ट पीरियड ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट। मतलब ये जो स्टेबिलिटी है ये हमको बताती है कि जो हमारा ड्रग प्रोडक्ट है वो कब एक्सपायर होगा एंड साथ में रीटेस्ट पीरियड ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट। अब रीटेस्ट क्या होता है, द टाइम पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द ड्रग सब्सटेंस एक्सपेक्टेड टू रिटेन इट्स डिजायर्ड थेरापूटिक कैरेक्टरिस्टिक। इसका मतलब क्या होता है कि कितने टाइम पीरियड तक जो हमारी ड्रग है वो अपनी एबिलिटी को आपके बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट करती है, जो एफिकेसी होती है, कितने समय तक वो रिटेन कर सकती है। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे 2 साल तक 3 साल तक 4 साल तक, तो इसी को क्या बोलते हैं रीटेस्ट पीरियड होता है। अब इसका एम क्या होता है, हर्बल ड्रग में कंटेन इन्यूमरेबल कंपाउंड जिसमें आपका आता है एपीआई एक्सिपिएंट होता है, ये दोनों हमारे शुड भी स्टेबल होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी टेस्टिंग के द्वारा हम चेक कर लेते हैं कि एपीआई जो हमारा एक्सिपिएंट है वो स्टेबल है या नहीं है। एंड टू डिटरमाइन द क्वालिटी अफेक्टेड फैक्टर सच एज पार्टिकल साइज हो गया, लाइट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, टेम्परेचर हो गया, कॉन्टामिनेशन हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, ठीक है ना, लाइट हो गया, इल्यूमिनेशन हो गया, एयर हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है कि जो क्वालिटी को साफ पर जाकर के इफेक्ट करती हो। एंड एफिकेसी ऑफ द ड्रग टू कॉन्ट्राइंडिकेट विद द माइक्रो। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी ड्रग है उसके पास कितनी एफिकेसी है कि वो जाकर के माइक्रोब से कॉन्ट्रामिंडेट कर सके। मतलब कॉन्ट्राइंडिकेट का सिंपल सा मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे हमने ड्रग देखा था कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब किसको नहीं दी जा सकती है, उसी प्रकार से मतलब किन किन माइक्रोब से जाकर के अपनी सुरक्षा वो कर सकता है। अब एसेंशियल फैक्टर्स में कौन कौन से आते हैं, तो हर्बल ड्रग शुड बी कंडक्टेड मिनिमम 3 प्रोडक्शन बैच। मतलब कहने का क्या है कि जो हर्बल ड्रग होता है वो शुड बी कंडक्टेड मिनिमम 3 प्रोडक्शन बैच विद नॉर्मल एनवायरमेंट। जैसे अगर टेक्निक में आता है जैसे फिजिकल एंड केमिकल आता है, ठीक है ना, तो फिजिकल में जैसे उसका कलर ऑर्डर टेस्ट रेंसिटिफिकेशन एस वैल्यू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ये सारी चीजें हम पता करते हैं कि जो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक। उसके बाद अगर केमिकल में देखें तो केमिकल में स्टेबिलिटी चेक करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, एचपीसीएलसी करते हैं, एचपीटीएलसी करते हैं, टीएलसी वगैरह करते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएगा डिफरेंट टाइप के मेथड या टेक्निक्स हो जाएंगे किसके स्टेबिलिटी टेक्निक के। अब इसमें आप डिफाइन भी कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी को डिफाइन कर, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को, रेंसिटिविटी को भी डिफाइन कर, रिफ्रेक्टिव एस वैल्यू इन सबको आप डिफाइन कर सकते हो। अगर आपका बड़ा में पूछता है मतलब 10 नंबर में पूछता है तभी आप आसानी से इसको लिख ले जाएंगे, कोई भी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अब आती है प्रॉब्लम, मतलब ऐसी प्रॉब्लम जो कि स्टेबिलिटी टेस्टिंग के दौरान हो सकती है। सबसे पहला बात होती है सिलेक्शन ऑफ द मार्कर। मार्कर ऐसे एजेंट होते हैं जिनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है हमारे बॉडी के ऊपर। तो जो मार्कर्स होते हैं दे में पॉलिस सेवरल प्रॉपर्टीज, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ड्रग अगर मतलब उस मान लीजिए कि पॉलीमॉर्फिज्म करेक्टरिस्टिक है या इपॉक्साइड है या वो अपने स्टूडियो केमिस्ट्री मतलब चेंज कर लेता है, लिवोसिडेक्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से जो हमारे ड्रग का इफेक्ट होता है वो घट जाता है, उसकी स्टेबिलिटी बीमारी क्या हो जाती है वहां पे अल्टर हो जाती है। तो ड्रग में सो एनर्जेटिक एक्शन एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं। एंड ड्रग कॉम्प्लेक्स ऑफ द नेचर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट, मतलब हम सिंपल से जानते हैं कि जो हर्बल ड्रग होते हैं मतलब डिफरेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट कंटेन किए होते हैं व्हिच में एक्सपोजर टू वेरिंग कंडीशन ऑफ द लाइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपने कोई ड्रग बनाया, अब उस ड्रग के अंदर क्या है कई सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट मतलब 4-5 लगाया, अब उस 4-5 ड्रग की कंडीशन क्या है कि उसमें से एक ऐसा ड्रग है कि जो कि बहुत ही सेंसिटिव है, मतलब टेम्परेचर का प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। तो जैसे हमने 50 डिग्री टेम्परेचर लाया तो उसमें क्या गया 45-48 ऐसे गया टेम्परेचर, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा वो एक्सपोज कर गया। अब एक्सपोज अपने साथ साथ जो भी उसमें मटेरियल होगा उसको भी तो एक्सपोज करेगा, तो दे में एक्सपोज टू वेरिंग कंडीशन ऑफ द लाइट या टेम्परेचर ह्यूमिडिटी जो क्या कहते हैं उसके थेरापूटिक एफिकेसी को अल्टर कर देते हैं। एंड डिफरिंग बायोकेमिकल कंपोजिशन, इसका मतलब क्या है कि जैसे देखिए सेवरल फैक्टर जैसे फर्टिलाइजर हो गया, सीड्स हो गया, ग्रोथ कंडीशन हो गई, हार्वेस्टिंग टेक्निक हो गई, मे इन्फ्लुएंस द नेचर एंड केमिकल कंस्टिट्यूएंट, जिसकी वजह से हम जो हमारा बायो एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ देहात है,
अयोध्या का क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होता है कि जो सरयू नदी के किनारे तरबूज बहुत अच्छा होता है, नदी का इलाका है। अब मैं आपको कहूँ कि आप जाकर के किसी ऐसे इलाके में तरबूज की उपाय की उपज कीजिए जहाँ पे उसके लिए एसेंशियल एनवायरमेंट हो ही ना, तो क्या तरबूज के अंदर वो बात आएगी? नहीं आएगी। अगर मैं बोलूँ आपसे कि आप जैसे गिलोय का गिलोय बना रहे हैं, ठीक है ना, तो गिलोय आप मेरे इधर होता है, तो अभी आपसे मैं बोलूँ कि जाकर के लद्दाख में चले जाए, क्या वहाँ पे गिलोय अगर आप उगा भी ले किसी ना किसी तरीके से, तो क्या उसकी एफिकेसी या उसमें जो बायोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट होगा वो सिमिलर होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार से जैसे हर एक एरिया वाइड, मैंने आपको फार्माकोग्नोसिस सेकंड में बताया था कि जैसे हमारे यहाँ जो यूकेलिप्टस की लीव्स होती है उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट या कंसंट्रेशन कुछ होगा, मध्य प्रदेश में जो है उनका केमिकल कंस्टिट्यूएंट कुछ होगा, तो उसी प्रकार से उसके बायोकेमिकल कंपोजिशन में भी इफेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन, सिंपल सा आप जानते हैं कि जो हर्बल ड्रग शुड आल्सो टेस्टेड इट्स माइक्रोबियल लोड, मतलब कहने का क्या है कि वो किसके प्रति सस्पेक्ट, मतलब सस्पेक्टेबल है, मतलब सस्पेक्ट है कि वो जाकर के उससे माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन कर सकता है, और जिसकी वजह से जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद एंजाइम एक्टिविटी, तो इन हर्बल ड्रग्स सेवरल एंजाइम वर्क टुगेदर टू मेंटेन लेवल ऑफ द फाइटोकॉन्फ्रेंट, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफरेज हो गया, लाइगेज हो गया, आइसोमेज हो गया, ऑक्सीडोडिटेटेज हो गया, लाइगोज हो गया, तो ये हमारी क्या होते हैं एंजाइम एक्टिविटी के आधार पर हम स्टेबिलिटी की टेस्टिंग करते हैं, और ये हमारे क्या होते हैं कुछ ऐसे मतलब फैक्टर होते हैं जो कि स्टेबिलिटी टेस्टिंग को करने में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जो भी हमारा टॉपिक होगा उसके साथ मिलेंगे, ठीक है ना। एक मिनट टॉपिक देख लो, मैं टॉपिक क्या है आपका, यहां पर आपका जो टॉपिक है वो है पोटेंटिंग एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, मैं आपको बस दो दिन के अंदर इसका भी खत्म कर दूंगा। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दैट वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट फार्मेसी।